दोस्तों ये है समोसा, देख लीजिए। अगर ये आप नहीं खाओगे ना तो कोई दूसरा खा जाएगा। सेम चीज होती है आपकी सीट, अगर आप अभी आज पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कोई दूसरा बच्चा पढ़ाई करके ना वो आपकी सीट खा जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। तो उठो, जागो, संघर्ष करो, सोचो क्या करना है, किस लिए आए हो इस दुनिया में। जो इंस्टा की रील्स देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आप क्या इंस्टा की रील्स देखने के लिए आए हो? भगवान ने आपको यहां पर इंस्टा की रील्स देखने के लिए भेजा है? या सीरीज देखते रहते हैं जो लोग बैठ के, या फालतू टाइम पास करते रहते हैं यूट्यूब पे फालतू फालतू वीडियोस देख के? पढ़ाई लिखाई करो यार, कुछ अच्छा बन जाओ उसके बाद करो ये सब चीजें। जिंदगी पड़ी है पूरी फालतू फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते रहते हो, फालतू के वीडियोस आते रहते हैं। लोगों के पास काम नहीं रहता तो वो फालतू के वीडियोस बनाते रहते हैं, पर आपके पास जो समय है उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो और कोई नहीं। आपको सोचना है आपका समय कितना कीमती है। अगर आप अपने समय की वैल्यू नहीं अभी करोगे, आज अगर समय की वैल्यू नहीं करोगे ना आप, तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा आगे जाके, ये बात को याद रखना, कड़वी सच्चाई है ये। अगर आप समय की वैल्यू आज नहीं करोगे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा आगे जाके। तो पढ़ लीजिए, ये सब चीजों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए मोह माया दुनियादारी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन और रात सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। एंटरटेनमेंट जरूरी है मानता हूं, पर क्लास में भी एंटरटेनमेंट टीचर्स करवा ही देते हैं यार। ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम सीरियस होकर पढ़ाते रहता हूँ, हंसी मजाक तो करते ही रहते हैं बीच में। हो गया एंटरटेनमेंट, और क्या अलग से एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है फिर।